हमारा देश विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सके, उसकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सके, कहीं भी दुख और किसी भी प्रकार के अभाव की स्थिति न होने पाए, लोगों के जीवन में कहीं भी कोई समस्या न खड़ी होने पाए। और इसके लिए आपने देखा होगा किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। भाइयों बहनों, यह देश कहने के लिए तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1947 के बाद भी देश के अंदर सरकारें थी और ये सरकारें लगातार काम की होंगी, देश का पैसा भी खर्च की होंगी, देश के बारे में सोची भी होंगी, लेकिन दुनिया में भारत की छवि कैसे बन गई थी, भारत के बारे में लोगों की धारणा क्या थी 2014 के पहले और 2014 के बाद, आज हम देख सकते हैं। दूसरा, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया, नहीं। पहले गरीब, सामान्य नागरिक, किसान, महिलाएं, नौजवान इस सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। चेहरा देखकर के योजनाओं का बंदरबांट होता था। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।